उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर शहर, जो कि बड़े ही कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, हम वहीं कानपुर में निवास करते हैं। और आज कानपुर से लेकर के कश्मीर तक की बाई रोड यात्रा आपको दिखाने जा रहे हैं। बाई रोड जा रहे हैं कश्मीर के लिए। हम सुबह 7:30 बजे कानपुर से निकल चुके हैं और रास्ता अच्छा है। आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं कि कैसा रास्ता बनेगा, कैसा सामान रहेगा कानपुर से कश्मीर का। और ये कानपुर से निकलते हुए दूसरा टोल प्लाजा इटावा के पहले का हमने पार किया है। रास्ता बहुत ही शानदार है और इस टोल प्लाजा में लगे 110 रुपये। आपको सारे टोल प्लाजा की कॉस्टिंग क्या आ रही है वो भी बताऊंगा। पिछले टोल प्लाजा में 165 रुपये लगे थे, इस टोल प्लाजा में 110 रुपये लगे हैं। अब तक 275 रुपये हमने टोल दिया है इटावा के पहुंचने के पहले। आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे में सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया गया है, इसका टोल अभी 175 रुपये पीछे पे करके आए हैं। और ये हमें दिल्ली से जाने वाले रास्ते यमुना एक्सप्रेस वे में मिलाएगा जा करके, वाया आउटर रिंग रोड द्वारा। हम आगरा के अंदर ना जा करके आउटर रिंग रोड से हम यमुना एक्सप्रेस वे में पहुँचेंगे। अच्छा रास्ता, एक अच्छा फैसला आगे आने वाले समय में आगे आपको और दिखाते हैं। करीब करीब यमुना एक्सप्रेस पर पार करने वाले हैं। आखिरी टोल प्लाजा बन रहा है और उसके बाद हम नोएडा में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम लोग गाजियाबाद के दादरी इलाके में पहुंच चुके हैं, जहां से फेरी फेडरल एक्सप्रेस वे होते हुए करनाल तक पहुंचेंगे। बीच में सोनीपत और पानीपत भी मिलेगा। सोनीपत जहां धर्मपाजी का ढाबा है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए इधर टर्न होना है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे में चढ़ने के लिए पहला टोल प्लाजा मिला हुआ है। तो देखते हैं। रास्ता दिल्ली के अंदर भी जाता है और मेरठ को भी मिलाता है। मेरठ में कुंडली सब जगह ही मिलाता है रास्ता। मेरी मेरठी अब सोनी पद पहुँचेंगे। सोनीपत से फिर हमको दूसरा रास्ता मिल जाएगा तो हमें सीधा अम्बाला तक ले जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। क्या ठीक है ना? ओके गाइस, हम यहाँ पर स्टे के लिए रुके हैं। बहुत ज़्यादा शानदार है ये हवेली और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी दी हुई हैं। एक्टिविटी नहीं कराई गई है क्योंकि हम बहुत बड़े हो गए और मौसम भी बहुत सुंदर है। आप लोग देखिए, दिस प्लेस इज रियली वेरी गुड। वहाँ पर मेरी गाड़ी पार्क है, वहीं जा रहे हैं अभी हम लोग। बाकी ये प्लेस बहुत सही है, आपको यहाँ विजिट करना चाहिए। राजपुरा
तो हम लोग लुधियाना में, मौसम काफ़ी सही है, बारिश हुई थी यहाँ लास्ट नाइट। तो यहाँ पर ही हमारा होटल है, यहीं पर रुके थे हम लोग, मेरा होटल।